कब्जों से सरकारी जमीन सरकार मुक्त कराना चाहती है। सरकार उस पर एक्शन लेगी और उसको अतिक्रमण मुक्त कराएगी। सभी 38 जिलों में गैर मजरुआ खास, गैर मजरुआ आम, बर्खास्त समेत सभी प्रकार की सरकारी जमीन जो करीब 16,39,676 प्लाट ऐसे हैं जो अवैध कब्जे में है महोदय, तो क्या उन अवैध कब्जों से सरकारी जमीन सरकार मुक्त कराना चाहती है? मैंने तो यह प्रश्न किया है महोदय और उत्तर में ऐसा कुछ आया ही नहीं है। सरकार की मंशा अवैध जमीनों को मुक्त कराने की है कि नहीं, मैं तो यह जानना चाहता हूं महोदय। यह पहला है मेरा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है वह उचित है। इनको मैं जानकारी दे दूं कि गैर मजरुआ आम खास खास माल कैसरे इन विभिन्न विभागों के स्वामित्व से संबंधित लोक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने का अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC संख्या 9692/2015 राम पुनीत चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेशों के तहत सार्वजनिक जल निकायों वाटर बॉडीज को भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाना है। इस संबंध में कतई जिलों द्वारा सराहनीय कार्य किए गए हैं तथा कथापि जिले में अभी भी लोक भूमि अतिक्रमण मुक्ति का कार्य असंतोषप्रद है। माननीय सदस्य को कोई पार्टिकुलर खास जगह की जानकारी है दें, इमीडिएट सरकार उस पर एक्शन लेगी और उसको अतिक्रमण मुक्त कराएगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बिल से कही जाने वाली कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी। आसन ग्रहण करिए, शून्यकाल में आपकी बात सुनेंगे, शून्यकाल में सुनेंगे आपकी बात, शून्यकाल में सुनेंगे। बैठिए महोदय। पर्टिकुलर जमीन की बात मैंने नहीं की है, मैंने तो कुल सरकारी जमीन जो अवैध कब्जे में है उसे मुक्त कराने की बात की है महोदय। और मैं सरकार से यही आश्वासन चाहता हूं कि सरकार क्या अवैध कब्जा हटाने हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन सूची और जमाबंदी सूची का मिलान कर अवैध कब्जा हटाने हेतु अब जो अवैध जमाबंदी है उसे रद्द करके और यह काम करना चाहती है माननीय मंत्री। महोदय, उल्लेखनीय है कि लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 3 में अतिक्रमण बाद प्रारंभ किए जाने एवं अतिक्रमणकर्ता को नोटिस निर्गत कर कारण पूछा किए जाने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा 2(1) में अतिक्रमण अधिनियम के अंतर्गत अंचल अधिकारी को समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त किए जाने से संबंधित आदेश दिया गया है और हमने कहा कि हर जिले को ये आदेश निर्गत है और संबंधित पक्ष उस पर एक्शन भी ले रहे हैं। हमने पर्सनल जमीन की बात नहीं की, हमने कहा कि कहीं की कोई सूचना है, जिलाधिकारी के पास जानकारी आती है तो उसको प्राथमिकता में लेकर के वो इसको एक्शन में जमीन पर उतारने का काम करेंगे। हो गया महोदय। एक एक है, सरकार तो सजग है इस मामले में। एक ही प्रश्न महोदय, सरकार चाहती है कि लैंड बैंक बनाए और लैंड बैंक के लिए जरूरी है कि सरकार ने जो आदेश दिया है वह तो ठीक है, लेकिन जिलों में जिलाधिकारी और उन्होंने क्या प्रयास किया है और उनके प्रयास के फल स्वरूप जो उपलब्धियां हासिल की है सरकार ने अब तक, उसकी जानकारी क्या सदन को दे सकते हैं? निरंतर प्रयास होते रहता है, हमेशा अवैध कब्जा से मुक्ति का अभियान चलते रहता है, उसकी जानकारी दे सकते हैं क्या? जानकारी अभी कैसे हो सकता है? माननीय सदस्य अगर जो जानकारी चाहते हैं तो हम उसकी जानकारी विभाग के अंदर 3 दिन के अंदर हम लोग मांगते हैं और उसकी जानकारी आपको उपलब्ध करा देंगे।